संत जी, सत श्री अकाल, गुर भरे अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, आज जिहड़े तुसीं मारे बचन भेजे ने, जिहड़ा उह संतां ने विच बचन कीता कि सहि भाव नूं मंजूर होवे ते बिना सवासां तों ही रख लैंदे आ, बिना सवासां तों ही रख लैंदे आ। ये बचन साध संत जी मेरे शरीर नाल वापर गया जे। जदों मैं छोटा सी, 1.5 साल दा, तो मेरे पिता जी ने तो माता जी ने दसिया सारा बचन कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिता, नकोदर डॉक्टरों को लैके गए, उन्हें जवाब दे दिता कि बच्चा नहीं हो बच सकता, यदि सेहत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो मेरे पिता जी आते, तू हूँ भाई छड़, मैं हूँ अपने डॉक्टर को चलता। तो पिता जी उतों लैके नौशहरा साहब आ गए। उस तरह ही नौशहरा साहब जो हजूर दे चरणा च हाजिर होए तो पिता जी विरा कर लग पे। तो साहबान ने बचन किया, अजागर सिंह जी क्यों विरा करते जे? तो उन्होंने को अगों बोलिया नहीं गया। तो हजूर ने कृपा की, दया की, माता जी ने जो अगे मैनू किया तो साहब आंदे, अजागर सिंह कोई फिक्र ही ना कर, कोई फिक्र ही ना कर। तो अपने सेवादारा हुक्म किया, भैया पांच चीज़ां जेड़ियां ना, वक् वक् तरह दियां पांच चीज़ां लिखा के क्या, इन्हां नूं ना गर्म करो, ते जदों पानी जिहड़ा जा लिया ना वो अद्धा रह जाए उदों साडे कोल लैके आ जाओ इन्हां पंजां चीज़ां नूं। वो मैं डायरी च संत जी हुण भी लिखियां ने, अपनी माता जी ने मैनूं लिखाइयां, वो पंजे चीज़ां वक् वक् तरह दियां पंज चीज़ां लिखाइयां। तो मैं जदों वो फिर महाराज जी दे प्यारे जिहड़े सेवादार सी वो जल लै के आए ना, जदों अद्धा जल रह गया तो हजूर ने कृपा की, कौले च पा के ना, तो मेरी माता नूं कहन लगे तेरे को कोई निप्पल हैगा ही? ये कहन लगी, नहीं महाराज जी कोल नहीं हैगा कोई। कहिंदे इंज कर, इहदी धौण दे मगर हथ रख के इहनूं सारा ही छका दे जल, ते बाकी जल जिहड़ा ना वो शीशी च नाल पा लो। ते बचन होया, जागर सिंह जी कोई फिक्र ही ना करो, कोई फिक्र ही ना करो। साहब मेरे ने बिना सवासां तों, बिना सवासां तों रहत जिहड़ी देही वो मेरे पातशाह ने बख्शिश कर दित्ती। तो मेरे पिता जी जो अगले दिन इतों लैके वापस गए ना सत्संग जी, तो दूसरे दिन बापू जी एडे रंग च मस्ताने हो गए, चुक के ना मैनू, तो डॉक्टर की टेबल के अगे रख के आते, आ लै जिन्हू अन्ना मर गया जी, आ लै आ वेख ला। तो डॉक्टर भी मस्ताना हो गया, आंदा बापू संता तेरे डॉक्टर का कोई मुकाबला नहीं, मैं तो झूठा दुनिया का डॉक्टर ही, तेरा डॉक्टर बहुत वड्डा ही, तेरा डॉक्टर बहुत वड्डा ही। ये जिहड़ा संता बचन किया ना, प्रभ भावे बिन सांस ते रख के बिना सवासा तो रखदा, ये मेरे शरीर नाल वापरिया बचन। तो मैं सुनिया बचन, तो मैं कहा मैं संता दे नाल साझा करा। आ मेरी बेबे भी लागे बैठी मस्तानी होण डई आ कि अहीं की बचन करिए, की बचन करिए, ये जबान नाल उहदी कोई बचन हो ही नहीं सकते। इस जबान ना मेरे पातशाह दे कोई बचन नहीं हो सकते, इस जबान ना मेरे पातशाह दे कोई बचन नहीं हो गए। मालक मेरा पातशाह, खंडा ब्रह्मंडा दा मालक, ब्रह्मंडा दा मालक मेरा पातशाह। गुरु बड़े अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह फतेह, वाह 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 वाह। हांजी, मैनू भी एक बचन, एक एक दे नाल बीतियां होईयां बचन ने, एक एक दे नाल की ओ पातशाह ओवले हार जाइए, ओवले हार जाइए, सारी सृष्टि नवी रच दे जी। उन्हां वास्ते किहड़ियां वड्डियां बातां हन, सानू उन्हां दे चोज वड्डे लगदे हन, उन्हां वास्ते ते कोई बात है जी। तो मैनू एक याद आ गया जी, साडे दादा जी सुनाना, असीं सहजदारी परिवार, दादा जी दे छोटे ब्रदर, नाम पहले होर सी महाराज जी वाला, फिर उन्हां दा नाम आ रहा गुरनाम सिंह करके रख्या। ते 26 साल दी उम्र, लाहौर दे विच वड्डे कम ते शैलर सी, ते ओ हाथ कितें आ गया, खून बड़ा वजे वगया, ते किसे ने पानी पिलाया जी, वर्कर ने पानी समझ के बेचारे ने, ते है वो कास्टिक सोडा सी, वो सारी पिलाता ते अंदर ख़त्म हो गया। मीना हस्पताल चले लाहौर, डॉक्टर जवाब देता कि भी ये ख़त्म ने, लै जाओ कर घर ले आए, डेथ हो गई है। पुजे लाता 2-2.5 घंटे हो गए ने, दादा जी सिख सच चुके सन, वो हिंदू सन, साहब आ गए, महाराज मस्तक ते हाथ रखिया, साहब फरमाते ने
डॉक्टर भावें सारे जवाब दे दें, जिन्हों महाराज रखना चाहे उन्हों कौन मार सकता है। ओ महाराज कहते ने इन्हों के रूम नहीं कटवाने तो उम्र दूनी। ओ उठ के बह गए जी, 2-3 घंटे हो गए सन शरीर छड़िया, उठ के बह गए। ओ फिर केस रख ले, ते 3 महीने हो चुके सन, ते वो जिवें जवानी उम्र सी, ते फिर मन बनाया उन्हें केस कटाण दा। पापा जी हैरान हो गए, दादा जी इन्हों की हो गया, इन्हों लै जाने श्री किले साहब, तो उत्थे महाराज के दर्शन करेगा, मत ठीक हो जाएगी। साहब उत्थे गए दोवें भरा, ते लै गए, ते बाहर ही सन, ते दाड़ करके गिर गए वो ही दादा जी दे ब्रदर। ते पापा जी समझ गए कि भी वही खेड हुई है। ते जदों महाराज जी दे कोल अंदर गए, कले पापा जी महाराज जी वड्डे एक कमरे च, उधर चली जान उधर चली जान, इन्हें चरण फड़ ले, महाराज वेखो की बोला छड़िया। महाराज कहिंदे ही गुरु नाम सिंह नूं नहीं बख्शना। उन्हें फिर दूजी बारी ये वचन किया, महाराज जी वह नहीं कटाएगा वाल, के रोम नहीं कटाएगा। महाराज कहिंदे ही गुरु नाम सिंह नूं नहीं बख्शना। तीजी बारी जो उन्हें फिर किया, महाराज वेखो साहबाना बोला, महाराज कहिंदे तू लाभ सिंह जो मर्जी होर मंग ला, असी गुरु नाम सिंह नूं नहीं बख्शना। ओ इन्हों के मूँह निकल, महाराज जी फिर मेरी जान भी कढ़ दिओ। महाराज अडोल हो, महाराज कहिंदे जा सद लिया, वह बार होश आ गई, उन्हें आके चरण फड़ ले। ओ सो फिर बख्शिशा हुई, महाराज के अतुट सेवादार होए। पठानकोट रहना जी, साहबा ने खुलियां बड़िया बख्शिशा दित्तियां। उम्र निकलिया सी ना साहब सवा उम्र दूनी, 26 साल 52 साल उम्र हुई, घरदियां नूं सुपना आ गया, अज जा रहे ने चढ़ाई कर रहे ने। साहब उस दिन ही घर आ गए, वाह 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 वाह, देखो की करते सच्चे पातशाह, पहले कि उम्र बख्शी तो हूँ वेखो। तो उन्होंने बचन महाराज नाल करना चाहिया, महाराज इजाजत नहीं दे रहे कि नहीं रहन दे, जो बचन नहीं महाराज नाल करी दे, उन्हें करता। महाराज कहिंदे इन्हां कोई खतरा ही नहीं, अजे खालसे को बड़े कम लैने ने। महाराज जी गए बैरनाथ साहब, वह भी दसता, वह भी कुछ होया इंसीडेंट, सारे कहिंदे चढ़ाई कर गए ने, उस वेले वो दूर सन ठीक ठाक। हाँ जी हाँ जी, वाह 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 वाह, सो पातशाह रब आए जो चाह कर, जो चाह कर। हाँ जी नमस्कार वीर जी, नमस्कार जी, मत्था टेकते हैं जी, सत श्रीकाल जी, गुरु बड़े अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह, फतेह फतेह।